हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यहाँ है वो है पानी। पानी की यहाँ इतनी समस्या है कि बहुत सारे इलाके में खारे पानी है ज़मीन में, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए पानी लोग खरीद कर पीते हैं टैंकर से, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा की झील जो सबसे बड़ी झील है वो कोटला झील है, जो 6400 एकड़ में फैली हुई है, लेकिन सरकारों की बदनीयति की वजह से वो 6400 एकड़ की झील सिर्फ कागज़ों में रह गई है और सरकार उसको 100 एकड़ में सिर्फ विकसित कर रही है। और जो बरसात का पानी भी उस झील में इकट्ठा होता है उसको भी सरकार वहाँ से निकाल कर दूसरे इलाके में ले जाती है। और उस झील को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना था मेवात फीडर कैनाल, जो पिछले 70-72 साल से आज तक सिर्फ कागज़ों में सिमट कर रह गया है और उस कैनाल का सिर्फ नाम रह गया। आज तक वो कैनाल ना बनी है ना प्रोजेक्ट पास हुआ है। अगर वो कोटला लेक हमारी विकसित हो जाती है, झील सचमुच झील बन जाती है, तो हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है ज़मीन में खेती के लिए और पीने के लिए उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे कि हमारा बहुत एक तरह से कमाई का पैसा पानी खरीदने में चला जाता है। और जो किसान है जब उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा तो वो फसल भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ सिर्फ 2 फसल हो पाती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाती हैं, जबकि बहुत उपजाऊ ज़मीन और जंगल यहाँ है। एक दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ जो है, जो काफ़ी हाईलाइटेड है, काफ़ी चर्चित है, कि हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे गुजरता है 248 है, जो 1980 से पहले नेशनल हाईवे नंबर 8 था। उसको यहाँ के लोगों ने नया नाम दे दिया है खूनी रोड। खूनी रोड इसलिए कि उसमें हर दिन औसतन हर दिन एक मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट में घायलों की संख्या ज़्यादा है, हर दिन एक आदमी की मौत की औसत वहाँ आती है, इसलिए उसको लोगों ने खूनी रोड कहना शुरू कर दिया है। देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि सिंगल है, सिंगल रोड है, जबकि देश में कहीं भी राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगल रोड नहीं है, सब 4 लाइन के या डबल रोड हैं। और सरकार की बदनीयति देखिए कि बार बार उस पर कितने आंदोलन हुए हैं, फिर भी सरकार ये कहती है कि इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह, और उस जो दूसरे नेशनल हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, वो मेवात को सिर्फ किनारों से गुजार दिए जाते हैं, जबकि अगर उनको अंदर से ले जाया जाता तो उनकी दूरी को कम किया जा सकता था, उनके खर्चे को कम किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की बदनीयति की वजह से हमें इस तरह के विकास से दूर रखा गया है, हमें पिछड़ा रखने की इनकी नीयत जो है उजागर होती है, जिस वजह से आज भी हम देश और दुनिया से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रेल भी हमें बाहर से ही गुजरती है, आज तक रेल कितने बुज़ुर्ग हमारे ऐसे गुजर गए जिन्होंने रेल को देखा नहीं है, हमारी इस पीढ़ी ने भी रेल को देखा नहीं है, हमारे 80% औरतों ने रेल को नहीं देखा है कि रेल होती कैसी है। और सरकारें मेवात को बाहर से रेल गुजार देती है और यहाँ के नहीं, अंदर तक नहीं लाती। और हम खास बात यह है कि इस इलेक्शन में भी हमारे मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, जो भी हमारी मांगे हैं वो चुनावी मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, नेताओं की ज़बान पर हमारी मांगे नहीं है। भाई पानी अगर आ जाता है तो सभी फायदे हो जाते हैं लोगों को, पानी की कमी है, पीने की भी। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो मेवात NCR से 70 किलोमीटर टच, इतना बिछड़ा इलाका, बहुत ही ज़्यादा बिछड़ा इलाका है। तो हमारे नेताएं, हम उनको रहनुमाएं बनाते हैं, चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में आगे, तो वो कुछ नहीं करते हैं। तो मेवात के आवाम को ओनली अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं ओनली, और फिर उसको फेंक देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि मेवात को बिछड़ापन इन नेताओं ने पाछे रखा है। यहाँ बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन पिछले 5-10 सालों से कम मेवात में एजुकेशन बढ़ा है,
तो यही बात आती है बेरोज़गारी की। तो बेरोज़गारी में ये है कि आप बताएं, जब इंडस्ट्री नहीं है तो बच्चों के लिए काम कहाँ से मिलेगा, युवाओं के लिए काम तो कोई गुड़गांव कर रहे हैं, वहाँ से भी निकल रहे हैं। तो मेवात को इन लोगों ने काफ़ी पाछे रखा है, ओनली नेताओं ने। तो मांग अपनी करते नहीं है, जब तक किसी से हक नहीं मांगोगे तो हक नहीं मिलेगा। वो जो मेन समस्या है यहाँ की, जो लंबे समय से चली आ रही है, वो पानी की समस्या है। उसको थोड़ा बहुत कुछ हद तक ये जो हमारे विधायक साहब हैं पिछले कार्यकाल में, वो इन्हें लोग विधायक थे और उन्होंने सीएम साहब से या रसूख पे अपने पे या किसी भी दम से उसको कुछ हद तक ख़त्म करवाया है। यहाँ पे जो निकासी के लिए जो नहर बनाई गई थी उसमें उन्होंने लिफ्ट करके या जैसे भी करके वापस पानी आया है उसमें। अभी भी नहर का पानी को गंदा खेती के लिए। हाँ, लेकिन वो पानी की क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है जैसे अम्बाड़ा में है या जिस जो उस हरियाणा के उस साइड में पानी की क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है। पर पहले की नस्बत मिला है, पहले मिलता ही नहीं था। हेल्थ की दरअसल यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बन गया और भी CHCs हैं, लेकिन जो पर्पज़ है वो सोल्व नहीं हो पाया सर, इससे भी मेडिकल कॉलेज से भी, क्योंकि अधिकतर जो सीरियस केसेस हैं वो रेफ़र कर दिए जाते हैं। अब अगर मेडिकल कॉलेज से भी पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेडिकल कॉलेज के, जो 700 करोड़ की लागत से बना है, जो न्यूरोसर्जन यहाँ पे नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, और जब न्यूरोसर्जन नहीं है तो कोई भी हेड इंजरी होती है उसमें फ़ौरन ट्रामा सेंटर, वही सफदरजंग, वही ट्रामा सेंटर के लिए, तब तक आधे मरीज रास्ते में मर जाते हैं सर। शिक्षा के लिहाज से मैं कहूँ तो सर यहाँ पे क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, हालांकि यहाँ चौधरी खुर्शीद अहमद शिक्षा मंत्री भी रहे, यहाँ के जो दोनों परिवार हैं बड़े बड़े मंत्रालय रहे उनके पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सरकारों को दोष दें, कहीं ना कहीं हमारे नुमाइंदों की भी उसमें कमी रही, और आज भी हमें शिक्षा के लिए और जगह ही जाना पड़ता है। शिक्षा के लेवल लिहाज से मैं कहूँ तो यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, और उसमें भी हमारे लोकल टीचर्स की मैं बात कहूँगा, क्योंकि JBT टीचर्स यहाँ पे हमारे लोकल ही हैं, उनका भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, कुछ हमारा भी उसमें हाथ है। रेल के नाम पे ये सारे सरकारें यहाँ बहकाती आ रही हैं, ये बड़ा मुद्दा है। इस बार भी यही सिर्फ कहा जा रहा है कि आपको वहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। हमें नहीं पता कि सरकार उस पर किस हद तक काम कर पाई है, लेकिन हमें मिली नहीं है अभी तक। एक यहाँ पर लेटेस्ट मुद्दा उभरा था जो पिछली सरकार कांग्रेस ने पैदा किया था, ड्राइविंग लाइसेंस का, कि भाई आपकी 8वीं की शिक्षा को यहाँ पे कांग्रेस सरकार के टाइम पे लागू किया था कि भाई 8वीं की शिक्षा जिनकी नहीं है उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया प्रशासन ने यहाँ के, मैं तो सरकार की बात मानूंगा उसमें इंस्ट्रक्शन, उन्होंने क्या काम किया, जो लाइसेंस 20 साल पुराने थे, जो एक्ट के बनने से पहले के थे उनको भी रोक दिया, और उससे हमारे 20-25 हज़ार ड्राइवर बिल्कुल एक तरह से बेरोजगार हो गए। हाँ, ड्राइविंग का यहाँ पे काम था या पत्थर तोड़ने का काम था, वो वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर बंद हो गया, और ये जो काम था ड्राइविंग का, ये भी एक तरह से मैं कहूँ तो सरकार और प्रशासन की एक तरह से लापरवाही कहिए, उसको बदनीयती कहिए, गलत मनसा कहिए, उसकी भेंट चढ़ गया। हालांकि पिछली सरकार ने मेवात में जो मेवात विकास सभा है उसने और कई और भी आदमियों ने प्रयास किए, हमारे जो सरकार से हमने डिमांड रखी खट्टर सरकार से, तो इन्होंने गडकरी जी से कोशिश करके वो तो एग्जेम्प्ट कर दिए वो 8वीं की कंडीशन तो, लेकिन रिन्यूअल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ, वो रिन्यूअल अब तक भी शुरू नहीं हुआ है, और हालांकि खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन के जस्ट बाद हो जाएगा, लेकिन बढ़िया रहता अगर इलेक्शन से पहले ही शुरू हो जाता, क्योंकि वो नोटिफिकेशन कम से कम 2 महीने पुराना है। नहीं, 2 महीने पहले पुराना नोटिफिकेशन है वो, तो कम से कम हो सकते थे स्टार्ट आचार संहिता से पहले ही, तो ऐसा लगता कि भाई सरकार करवा रही है। नोटिफिकेशन के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा है तो फिर ऐसा लगता है कि यार शर्त हटा के भी नहीं हो रहा है, तो उसमें अभी भी इस बात में एक तरह से कन्फर्मेशन नहीं है कि प्रशासन करेगा क्या। अनपढ़ इलाका है, पिछड़ा इलाका है, कोई विकास नहीं हो रहा, राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं यहाँ, कभी उसके पलटे लिखा जाए, कभी उसके वेल्ट पलटे खाते हैं, विकास को कोई काम नहीं है। गरीब गुरुवाल को मैं तो ड्राइवरी करता हूँ, ड्राइवरी लाइसेंस रद्द हुए पड़े, वो भी खराब है,
रिन्यू लाइसेंस वगैरह से बनवाया, यहाँ रिन्यू ना है हुआ वो खत्म हो गया, दोबारा वो फाइल दी तो वो खराब हो गई। कोई भी ट्रक कहाँ चला जब लाइसेंस ना, तो कभी कदार चलाते हैं कभी कदार नहीं चला, बिना लाइसेंस हिम्मत ना पड़े। इन दिनों में तो फिलहाल घर ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खेती बाड़ी अपनी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। जमीन तो नहीं है, जमीन तो हमारी सारी बेच दी कांग्रेस सरकार ने, जमीन ना छोड़ी हमारी। मेन प्रॉब्लम है सर यहाँ का बेरोजगारी, सबसे मेन प्रॉब्लम बेरोजगारी है, अवेयरनेस नहीं है सभी में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई यहाँ का कोई काम करके राजी नहीं है। खेतीबाड़ी तो है ही अपना नॉर्मल, जब कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तो खेतीबाड़ी तो करेंगे ही सभी।